नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम सांस से जुड़ी दिक्कतों के बारे में बात करने वाले हैं। आज जानेंगे कि प्रदूषण की वजह से सांस से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती है और लोग अपना ख्याल कैसे रखें, और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं पटना के पारस HMRI हॉस्पिटल में सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पर मैं चेस्ट रिलेटेड सारी बीमारियों को मैं देख रहा हूँ, और मैं शुरू से ही इस हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ। और यहाँ से पहले मैं NMCH में था, PMCH में था, SKMCH में था। तो आज जो क्वेश्चन आपका है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो इससे सांस की क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये हम लोग को पता है कि सांस की परेशानी जो होती है वो हम लोग जो सांस लेते हैं वो डायरेक्ट हम लोग का एयर से कॉन्टैक्ट होता है। एयर में जितने भी धूल कण हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये हमारे बॉडी में अगर प्रवेश करते हैं तो एयर के द्वारा ही इंटर करते हैं, और एयर के द्वारा ये सबसे पहले ये लंग्स में आते हैं, क्योंकि लंग्स जो हम एयर लेते हैं तो वो लंग्स में आता है। लंग्स से एयर जो होता है फिल्टर होकर ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे सर्कुलेशन में जाता है, बाकी पार्ट या तो डिपॉजिट होता है या लंग्स के थ्रू बाहर, नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एयर पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा पोल्यूशन है, और निकट जो हम देख रहे हैं, जो अभी जरा हाल फिलहाल जो देख रहे हैं, इतनी गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है कि उससे में जितने भी धुएं निकलते हैं, रोड पर अगर आप चल रहे हैं, अगर आप क्राउडेड प्लेस में चल रहे हैं, वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो किस फॉर्म में चल रही हैं ये हम लोग को नहीं पता है। फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि किस गाड़ी का कितना पुराना गाड़ी है, कितना उसका मेंटेनेंस है, इसे बहुत चीज़ डिपेंड करता है। जितना कम मेंटेनेंस गाड़ी रहेगा वो उतना धुआं करेगा, और जितना अच्छा मेंटेन गाड़ी रहेगा वो धुआं कम आता है उससे। पहला एक तो धुआं रहता है, दूसरा डस्ट होता है। डस्ट में जो होता है वो अगर आप सैंड का डस्ट होता है, या स्मोक का डस्ट स्मोक होता है, या और भी डस्ट होता है जो बगल में अगर आसपास में अगर कोई मिल है, चावल मिल है या गेहूं का मिल है या गन्ने का मिल है, तो उस तरह से अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। ये सभी जो पार्टिकल्स हैं ये लंग्स के अंदर जाते हैं और लंग्स को जाके जकड़ते हैं। जकड़ते कहाँ पर हैं, ये सीधे इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ये सीधे लंग्स में, एल्वोलाई में जाके जमा हो जाते हैं, और एल्वोलाई में धीरे धीरे करके जमा होकर एल्वोलाई को ये रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो भी हम एयर ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एल्वोलाई के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाता है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में सांस की परेशानी होती है, लोग आते हैं हमारे पास, हम लोग देखते हैं, PFT कराते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है या रिसेप्टिव पैटर्न है, तो इस हिसाब से हम लोग जज करते हैं। ऑक्यूपेशन का हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, स्मोकिंग का हिस्ट्री लेते हैं, लिविंग हिस्ट्री लेते हैं कि आप किस तरह के जगह में रह रहे हैं और किस तरह के आप काम कर रहे हैं, उससे हम लोग जज करते हैं कि आपकी लंग जो है उसकी स्टेटस क्या है, और जो लंग में जो एक्टिविटी जो हो रहा है अभी वो किस तरह का हो रहा है। कुछ कुछ परेशानियां बीमारियां जो होती हैं वो अगर वो पेशेंट अवॉइड करता है उस प्लेस में, उस जगह में, उस इन्वायरमेंट में रहने को अवॉइड करता है, वहाँ से छोड़ कहीं और चला जाता है, तो उसकी परेशानियाँ कम हो जाती हैं या बाद में जाकर ठीक भी हो जाती हैं। तो जो एयर पोल्यूशन है इसे गंभीरता से लेना चाहिए, और हम सभी को ऐसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ की वातावरण थोड़ा शुद्ध हो, स्वच्छ हो, ताकि जो भी हम इनहेल करें वो अच्छे एयर को इनहेल करें हम। और मास्क रहना, मास्क तो जरूरी हो गया है, कंपलसरी है, एक तरह से लगाना चाहिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो भी बिग मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर फिल्टर का भी एक साइज होता है, उस साइज़ से अगर ऊपर के मॉलिक्यूल अगर आ रहे हैं आपके पास, तो वो या तो मास्क में ही रुक जाए या आपके नज़ल जो नज़ल कैविटी वहाँ पर जाके रुक जाए। सो एयर पोल्यूशन बहुत गंभीर पोल्यूशन है, और इस पोल्यूशन से अगर आप नहीं दूर होइएगा तो आगे चल के बहुत सारी बीमारियाँ जैसे COPD हो गया, ILD हो गया, और बहुत सारी रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होता है, वो सब परेशानी होती है। इसमें फिर आपको हमेशा के लिए इनहेलर्स और बहुत सारी दवाइयाँ जो है आपको खाते रहना पड़ सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।